आज हम सबसे पहले देश के रक्षकों को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वीरता और समर्पण की वजह से आप सबको चैन से जीने का अधिकार मिलता है। आप सब अपने परिवारों के साथ चैन की जिंदगी बिताते हैं, इस वक्त टीवी देख रहे हैं। आज भारतीय सेना दिवस है और हमें लगता है कि ये मौका देश के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है। होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस जैसे त्योहारों को हम बढ़ चढ़कर हर साल मनाते हैं, लेकिन हमारे देश में सेना के शौर्य का त्यौहार मनाने की जिम्मेदारी हम सिर्फ भारतीय सेना और सरकार पर छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि भारतीय सेना के शौर्य से जुड़े आज के ऐतिहासिक दिन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए और इसीलिए सबसे पहले आज हम इसी विषय को उठा रहे हैं। भारतीय सेना का शौर्य क्या है, इसकी एक झलक आज ही सेना ने पूरी दुनिया को दिखा दी है। आज भारतीय सेना ने देश के दुश्मनों के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाइयां की हैं। पहली कार्रवाई में सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। शनिवार को पाकिस्तान की तरफ से हुई फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया था। सेना ने आज अपने इस साथी की शहादत का बदला ले लिया और इसके अलावा दूसरी कार्रवाई में सेना ने जम्मू कश्मीर के उड़ी में 6 आतंकवादियों को मार गिराया। ये आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के थे और ये सभी फिदायीन हमलावर थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के जो सैनिक मारे गए हैं वो 3 POK ब्रिगेड की 801 मुजाहिदीन बटालियन के सैनिक थे। हालांकि पाकिस्तान ने सिर्फ अपने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकार की है, जिनमें एक मेजर रैंक का अफसर भी शामिल है, लेकिन हमारे सूत्रों का यह कहना है कि पाकिस्तान को इससे कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है और हो सकता है कि उसके 7 से भी ज्यादा सैनिक आज के इस हमले में मारे गए हों। यानी पाकिस्तान पर भारतीय सेना दोहरा हमला कर रही है। एक तरफ पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकवादियों को उनके असली अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। आज ही सेना दिवस के मौके पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है और यह भी कहा है कि अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो भारतीय सेना अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ा सकती है और फिर कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले आप सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की ये चेतावनी सुनिए। हमें भविष्य में भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और हमें इनका मुकाबला करने के लिए सदैव तैयार रहना है। नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के क्षेत्र में विवाद जारी है, इसका उल्लंघन होता रहता है, जिसे रोकने के लिए हम संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी रखते हुए आतंकवादियों की घुसपैठ में सहायता करने के प्रयास करती रहती है। हम विरोधियों को सबक सिखाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अगर हमें मजबूर किया गया तब हम अपनी सैन्य कार्रवाई के दर्जे को बढ़ाकर अन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं। जनरल बिपिन रावत के इस बयान में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पाकिस्तान अगर भारतीय सेना को मजबूर करता रहा तो फिर सेना सैन्य कार्रवाई से बढ़कर और कोई अन्य कार्रवाई भी कर सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। सेना प्रमुख ने आज ये साफ तौर पर पाकिस्तान को बता दिया कि हमारी सेना ने अपने सारे विकल्प खुले रखे हैं और पाकिस्तान अगर नहीं सुधरा तो सेना कुछ भी कर सकती है। जनरल रावत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना का नेतृत्व करते हैं, इसीलिए पाकिस्तान को और वहां की सेना को जनरल रावत द्वारा कही गई बातों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान के लिए नतीजे अच्छे नहीं होंगे। भारत के पास इस वक्त 13,62,000 से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं और इनमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के सैनिकों की संख्या शामिल नहीं है, जबकि पाकिस्तान की सेना सिर्फ 6,37,000 जवानों की है। दुनिया में सबसे बड़ी सेना चीन के पास है, जिसके पास 22,60,000 सैनिक हैं। भारतीय सेना को आजादी से पहले तक ब्रिटिश इंडियन आर्मी के तौर पर जाना जाता था, लेकिन 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना को अपना पहला भारतीय कमांडर कमांडर इन चीफ मिला था। 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना की कमान ब्रिटिश जनरल फ्रांसिस बचर से
फील्ड मार्शल के एम करियप्पा के हाथों में आ गई थी और इसी के साथ ब्रिटिश इंडियन आर्मी से ब्रिटिश शब्द हमेशा के लिए हट गया था और उसे इंडियन आर्मी कहा जाने लगा था। फील्ड मार्शल के एम करियप्पा आजाद भारत के पहले आर्मी चीफ बने और तब से लेकर आज तक हर वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है और आज पूरे देश में भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाया जा रहा है। ये सब आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको ये तो पता होगा कि आज भारतीय सेना दिवस है, लेकिन क्यों मनाया जाता है शायद आपको पता नहीं होगा। पिछले वर्ष भारत के 83 सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी, इसी वजह से आज हम ये कह रहे हैं कि आज पूरा देश भारतीय सेना का कर्जदार है, उन जवानों का कर्जदार है जो सीमा पर हर मुश्किल में सीना तान कर खड़े रहते हैं। देश उन जवानों का कर्जदार है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। आज उन सभी शहीदों को दिल से श्रद्धांजलि देने का दिन है और हम इन जवानों को और उनके परिवारों को शत शत नमन करते हैं, क्योंकि जब सेना के जवान हजारों फुट की ऊंचाई पर अपनी हड्डियां गलाते हैं और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं, तब जाकर हम अपने शहरों में, अपने गाँव में, अपने घरों में, अपने अपने परिवारों के साथ सुरक्षित रह पाते हैं। दुख की बात यह है कि आज के ऐतिहासिक दिन पर भी हमारे देश की सेना के नाम पर लगातार राजनीति हो रही है। जम्मू कश्मीर में मुख्य विपक्षी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को सेना के कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन पर एतराज है। पिछले कुछ समय से आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना ने यह सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है जिसमें सेना चुन चुनकर आतंकवादियों को मार रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसी ऑपरेशन पर आपत्ति है। आप ये भी कह सकते हैं कि आतंकवादियों का सफाया नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को पसंद नहीं आ रहा और इसीलिए आज उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने जम्मू कश्मीर विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत के बयानों पर भी एतराज जता रही है। उसे सेना प्रमुख के बयान भड़काऊ लग रहे हैं। आज सवाल यह है कि जिस दिन भारतीय सेना के शौर्य की तारीफ होनी चाहिए, उसी दिन सेना के नाम पर ऐसी घटिया राजनीति करना कहां तक उचित है? टारगेट बर्बाद। आज देश के गर्व भारतीय सेना का दिन है। 69 साल में हर मोर्चे पर सेना अपने अद्भुत पराक्रम से देश की पहरेदार रही है। कैसा भी मौसम हो, कैसी भी मुश्किल हो, भारतीय सेना के हौसले कभी कमजोर नहीं पड़े। दुश्मन कैसा भी हो, भारतीय सेना की निगाह से बच नहीं सका। अदम्य साहस, वीरता और बलिदान भारतीय सेना की रगों में बसता है। पिछले पूरे साल भारतीय सेना हर मोर्चे पर सक्रिय रही। 2017 में सेना ने जम्मू कश्मीर में कुल 218 आतंकवादियों को मार गिराया। सबजार भट्ट, अबू दुजाना,
और जुनैद मट्टू जैसे बड़े बड़े आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाए। आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर को अपना गढ़ बना लिया था, लेकिन सेना ने यहाँ कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन और सीक एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन चलाकर आतंकवादियों की कमर तोड़ दी। भारतीय सेना ने इस बार खुलकर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की हर हरकत का कई गुना ज्यादा हिसाब लिया। साल के आखिर में भी पाकिस्तान बाज नहीं आया और 24 दिसंबर को एलओसी पर दूसरी सिख रेजिमेंट के जवानों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। उसके दूसरे ही दिन भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट के घातक दस्ते ने सीमा पार की और अपने जवानों की शहादत का बदला लिया और पीओके में घुसकर 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। ये भी एक छोटी सर्जिकल स्ट्राइक थी। सेना ने अपने तेवर न केवल मैदान में बल्कि पाकिस्तान को संदेश देने में भी सख्त रखे। सेना अध्यक्ष बिपिन रावत ने अपनी वार्षिक कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि भारतीय सेना सीज फायर वायोलेशन कर रही है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी चौकियां आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करवाने की हर वक्त कोशिश में लगी है। इसीलिए भारतीय सेना के गुस्से का शिकार पाकिस्तानी सेना हो रही है। जहां तक सीएफईज का सवाल है, देखिए हम लोग जो मैंने बताया, हम जो सीज फायर वायलेशन कर रहे हैं वो बेसिकली काउंटर टेररिज्म के तहत कर रहे हैं। जितनी भी हमारी सीज फायर एक्टिविटी या वायलेशन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं कि जो पाकिस्तानी पोस्ट जो है, जो पाकिस्तानी जो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, सीज फायर वायलेशन उनके खिलाफ किया जा रहा है। पहले हमने क्या किया था, हमारा ये था कि सिर्फ आतंकवादी को नुकसान पहुंचाया जाए, जो आतंकवाद फैला रहा है उसको नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन आतंकवादी तो एक डिस्पोजेबल कमोडिटी है पाकिस्तान के पास, आप जितने मारते रहिए उतना वो बेहतर रहेगा। सेना दिवस पर भी सलामी लेते हुए जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को सुधर जाने की एक और चेतावनी दी। देश के अंदर आतंकवादी और उनके हैंडलर्स नई रणनीति अपनाकर कई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रियों को टारगेट बनाना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सैन्य कर्मियों जिनमें शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या शामिल है, ये सब हमारी राष्ट्रीय एकता पर प्रहार करके समाज में दरार पैदा करने के प्रयास हैं। हम इन राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। भारतीय सेना ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम करते हुए आतंकवादियों पर लगातार दबाव बनाए रखा है। सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान से बगैर लाग लपेट के कहा कि अगर वो आतंकवादियों का समर्थन करना जारी रखेगा तो भारतीय सेना अपनी कार्रवाई तेज करेगी और पाकिस्तान की सेना को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस वक्त दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में जनरल बिपिन रावत पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे थे, ठीक उसी वक्त एलओसी पर पाकिस्तान की सेना ये कीमत चुका रही थी। आज भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान से अपने एक और साथी की शहादत का बदला लिया। पाकिस्तानी सेना का एक दस्ता एक मेजर की अगुवाई में एलओसी पर आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की फिराक में था। यह दस्ता भारतीय सेना के निशाने पर था और भारतीय सेना ने अपने हमले में 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। हमारे तरफ से तो हम बिना मतलब का हम कार्रवाई नहीं करते हैं। जब हमारे जवानों ने कार्रवाई किया है तो ये बहुत ही आप लोगों ने देखने को मिला होगा, पिछले 2 सालों से बड़ी जोर से कार्रवाई चल रहे हैं और उसका नतीजा भी आप लोग को देखने को मिल रहा है। हालांकि पाकिस्तान आतंकवादियों या अपने छोटे रैंक के सैनिकों के मारे जाने को कभी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन एक अफसर के मारे जाने की खबर को दबाया नहीं जा सकता और पाकिस्तानी मीडिया ने ही सबसे पहले यह खबर दिखानी शुरू की। वहीं उड़ी में भी घुसपैठ के दौरान जैश ए मोहम्मद के 6 पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारे गए। इनके पास से 4 AK-47, 3 UBGL, 38 UBGL ग्रेनेड, 23 हैंड ग्रेनेड और गोलियां मिली हैं। इन्फिल्ट्रेशन बेट वॉज मेड ऑन द 14-15 January night along the river Jhelum. This is the first infiltration bed of 2018 which has been successfully eliminated. जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। 5 से ज्यादा आतंकी मारे गए, घुसपैठ कर रहे हैं। तो हमारे सारे सेना और सुरक्षा के जवान बधाई के पात्र हैं। यानी भारतीय सेना के तेवर बिल्कुल बदल चुके हैं और पाकिस्तान को संदेश साफ है कि सुधर जाओ नहीं तो मारे जाओगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।